एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस दिवाली मैंने तो काफ़ी सारे हैंडमेड डीआईवाईज बना लिए, लेकिन फिर भी जितना बना लो उतना ही कम लगता है। तो यहाँ मैं एक और वॉल हैंगिंग डीआईवाई आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये डीआईवाई भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस टाइप के वॉल हैंगिंग काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के एलिफेंट एक कार्डबोर्ड पे कट कर लिए हैं और इसको काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर लिया है। इसी से मैं आज एक वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वाइट पतला कार्डबोर्ड ले लिया है। इस कार्डबोर्ड पे मुझे कुछ पिक्चर ड्रॉ करनी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ कार्बन पेपर का यूज़ किया है। मुझे ड्राइंग बनाने आती नहीं है, तो अगर आपको भी नहीं आती तो आप भी इसी तरीके से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी पिक्चर कंप्लीट कर ली है और यहाँ मैंने एक हाथी यहाँ ट्रेस कर लिया है, तो आप भी इसी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। एंड इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने वाइट एंड ब्लू कलर को मिक्स किया है, वाइट ज़्यादा किया है एंड ब्लू थोड़ा सा कम किया है, और इसको अब पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने एलिफेंट को कंप्लीट कर सकते हैं कोई भी कलर से। इसमें मैं थोड़ा सा और डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रिंट आउट था उसमें काफ़ी टफ डिज़ाइन था और वो पेंट भी नहीं हो पाता और बहुत टाइम लग गया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा डीआईवाई बनाऊँ बहुत जो जल्दी से बन जाए। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर दिया है। रेड एंड ऑरेंज, रेड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मैं ब्राउन में ग्रीन कलर करके कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं इसकी आउटिंग कर रही हूँ। आउटिंग करना मैं भूल गई थी, उससे पहले मैंने इसमें लगा दिए थे, तो मैं बाद में इसे आउटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ एक ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मार्कर हो या ब्लैक पेन हो या आप ब्रश से भी यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने स्टोन से लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ, का यूज़ कर रही हूँ। जैसे पहले राजा महाराजाओं के पास होती थी एकदम सजी धजी हाथी, उसी तरीके से हमें भी अपने हाथी को कंप्लीट करना है। हाथी बनके कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैंने एक पुरानी चूड़ी ले ली है। अब पुरानी चूड़ी को मुझे ये रेशम से कवर करना था, तो रेशम की मैंने एक लंबी सी डोरी की तरह पहले बना लिया है। इसको मैंने 15 बार लपेटा है और इस तरीके से चूड़ी के अंदर मैंने इसको बांध लिया है। और अब रेशम से मुझे इस चूड़ी को पूरा कवर करना है। तो इस तरीके से आप इसको लपेट लपेट के कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास रेशम का धागा ना हो तो इसकी जगह ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में जब ये इसके ख़त्म हो जाए पूरा लपेट दे, तो अच्छे से फेविकॉल लगा के और एक एक इसके धागे को अच्छे से चिपकाना है। तो मैं आगे पीछे अच्छे से एकदम फेविकॉल लगा के इसको लगा दे रही हूँ, जिससे इसका एक भी धागा रह ना जाए। अगर एक भी धागा रह जाएगा तो हमारा जितनी भी हमारी मेहनत थी वो ख़राब हो जाएगी। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा था धागा उसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये चौड़ी लैस थी, तो चौड़ी लैस मेरे किसी काम की नहीं थी, तो मैंने इसी लैस को इसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये अब मैं इसका यूज़ कर ले रही हूँ। तो एक साइड पे मैंने फेविकॉल लगा दिया है और इस लैस को अच्छे से स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद इसको इस तरीके से राउंड कर
करके घुमा देना है इसमें पूरे में। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर में जो भी मटेरियल हो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद जहाँ इसका मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे इसका एंड भी कर रही हूँ। तो सेम जगह पे मेरे को वहीं पे मैंने फेविकॉल लगा के इसको अच्छे से स्टिक कर दिया है। अगर स्टिक ना हो तो आप इसको सुई धागे से भी अच्छे से टांग के भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चूड़ियाँ कंप्लीट कर ली है और ये कुछ मैंने मटेरियल ले लिए हैं। मैंने एक ये घंटी ली है, अब घंटी को मैं धागा अच्छे से बांध लेना है। अच्छे से घंटी जब बन जाए तो मैंने यहाँ 2 कलर की मोती का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपके पास जो मोती हो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी जो हाथी कंप्लीट की थी उसको इस तरीके से उल्टा करके यहाँ धागे के साथ इसको मास्किंग टेप की हेल्प से इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद सेम प्रोसेस, फिर वही मोती डालनी है, एक वाइट एंड एक पिंक। और फिर मैंने यहाँ अपनी जो मैंने चूड़ी को सजाया था वो वाली चूड़ी ले ली है और इस तरीके से चूड़ी को मैंने यहाँ टांग लिया है। बनने के बाद तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने कुछ पुरानी मटेरियल का यूज़ करके इसको बनाया है। और इस तरीके के वॉल डेकोर MDF बोर्ड के काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आप इसको घर पे ही बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। बस ये सेम प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अब बस आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, मुझे आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मैंने कुछ छोटी मोतियों का यूज़ किया है इसे कहीं पे हैंग करने के लिए। तो ऐसे छोटी मोतियों को डालने के बाद मैंने ना वापस से ये बड़ी मोतियों में सुई को निकाल लिया है। तो यहाँ हमने अपने हाथी को सजा धजा के एक इसका एक वॉल हैंगिंग DIY रेडी कर लिया है जो हम इसे दिवाली में यूज़ करने वाले हैं।